रूम नंबर 405। रूम तो अच्छा है, यहाँ पे शायद बाथरूम है, ये पंखा है, सैनिटाइज रूम है। ये म्यूजियम है, बाइसन लॉज तो यही है ना। ये यहाँ से गाड़ी बुकिंग यहीं से होती है ना? हाँ। अच्छा, तो ये पचमढ़ी का ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। एकमात्र पेट्रोल पंप सर पचमढ़ी। अच्छा, यही पेट्रोल पंप है? एक ही है सर। हाँ भैया बोलिए। तो पचमढ़ी में सबसे पहले बिल्डिंग बनी जो बायसन लॉज जिसका नाम है, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था कैप्टन जेम्स फोर्सेस, जिन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी सन 1857 में। हाँ। तो पचमढ़ी में सबसे पहली बिल्डिंग बनी बायसन लॉज, जो बनी 1862 में बायसन लॉज बनी है सर। अपन लॉर्ड के समय पर देखेंगे। और जो पचमढ़ी में सेकेंड हाउस जो बना कैप्टन जेम्स फोर्सेस का, जो कल आप लोग धूपगढ़ जाएंगे, धूपगढ़ पर आप लोगों को एक और विजिटिंग सेंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पर पूरी फोटोग्राफ्स लगी हुई है पचमढ़ी की। तो वहाँ पर जाएंगे तो वो पचमढ़ी की, ये समझ लीजिए वो कैप्टन जेम्स फोर्सेस की सेकंड बिल्डिंग थी। उस समय पर सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था, तो उड़द की दाल, गुड़, गोंद और चूना, ये चार चीज़ों का मिश्रण करके वो बिल्डिंग बनाई गई। और जो वो बिल्डिंग बनी सर, उस बिल्डिंग को बनाने में जो लागत लगी वो लगभग 2064 रुपये लगी उस समय पर। वो बिल्डिंग बनी थी 1885 में। ये जो पॉइंट है सर, इसका नाम है हांडी को। ये जो वैली देखेंगे आप लोग, और ये जो खाई है, इसकी पूरी खाई की जो गहराई है वो लगभग 350 फीट की गहराई है। एक हांडी नाम के अंग्रेज थे पचमढ़ी में, जिनको फोटोग्राफी का बहुत अधिक शौक था। अगर लगातार पचमढ़ी में 2 से 3 घंटे भी बरसात हो जाती है तो इतना अधिक कोहरा छा जाता है कि अपन सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं देख पाते। तो उस समय पर ये रेलिंग वगैरह नहीं लगी हुई थी। जो मिस्टर हांडी थे वो फोटोग्राफी करते समय इस खूह में गिर गए थे। इस पॉइंट को सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है और उनके नाम पर इस पॉइंट का नाम दिया गया। उनका नाम था हांडी और खो मतलब हो जाती है खाई, इसलिए इस जगह का नाम रख दिया गया है हांडी खो। ये जस्ट सामने वाला जो पेड़ है मैडम, इस पेड़ का नाम है सरई, ये वाला जस्ट सामने वाला। लोभान सुना है आप लोगों ने? लोभान जलाते हैं, खुशबू वगैरह करते हैं, ये उसी का पेड़ है। इस पेड़ का नाम है सरई। लगभग 90% पेड़ सर आप लोगों को इसी के देखने को मिलेंगे पचमढ़ी में। जी, लगभग 90% पेड़ सरई के हैं पचमढ़ी में। आप पूरा पचमढ़ी घूमते हैं तो लगभग 90% पेड़ आपको यही देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इसमें से लोभान वगैरह, पूरा लोभान वगैरह निकल रही है ना सर। इसको आप ऐसा उंगली से घिसकर सूंघ के देखिएगा तो लोभान जैसी खुशबू आएगी आपको।
इसका जो उपयोग था पहले ट्रेन की पटरियों के नीचे जो लकड़ी के भत्ते होते थे ना मैम, तो वो इसी पेड़ के होते थे। और ताजमहल की जो नीचे की नींव बिछाई गई है वो भी इसी पेड़ की बिछाई गई है। अच्छा, अच्छा ये आगे और चीजें दूरबीन जो रखे हुए हैं इससे दो चीजें दिखाते हैं, एक माहौर पेड़ की बेला है और दूसरा होता है एक टेम्पल है जो पचमढ़ी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पर बना हुआ है जिसका नाम है चौड़ागढ़। उस मंदिर पे गाड़ी वगैरह नहीं जाती है, महादेव से 3 किलोमीटर पैदल और 1365 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उस मंदिर पर पहुंचा जाता है। उस मंदिर पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है और जिस व्यक्ति की मानता वगैरह होती है उस मंदिर पर जाके त्रिशूल वगैरह चढ़ाते हैं। ये दूरबीन द्वारा एक बेला है माहौर पेड़ की जिसके द्वारा इधर के आदिवासी लोग आज भी इस खाई में उतरते हैं शहद और शिलाजीत वगैरह तोड़ने के लिए। वर्ल्ड के सेकंड नंबर का हनियाना शहद पचमढ़ी में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, आप जितने भी दिन पचमढ़ी में हैं आप पूरा पचमढ़ी घूमिए कहीं पर भी जंगल में आपको फूल वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। इधर की जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, टोटल जड़ी बूटी से अपना शहद बनाती है। पचमढ़ी का जो शहद होता है वो खाने में हल्का सा कड़वा और लगभग 32 यूजर्स होते हैं। इसी खाई में एक पाव से लेकर 10 किलो तक का ऑनियन यानी प्याज पाया जाता है। जैसे भिंडी रहती है ना वहाँ पर, हाँ मैम नीचे होता है जंगली प्याज होता है, खाने के काम में नहीं आता है वो। जैसे अपन भिंडी होती है, आपने भिंडी देखा होगा, भिंडी को तोड़ते हैं तो उसमें से कैसे रेशे निकलते हैं, उसी प्रकार इस प्याज की पत्ती को तोड़ते हैं तो उसमें से भी रेशे निकलते हैं। ये जो प्याज होता है पचमढ़ी में बहुत खास होता है और इसी के द्वारा पचमढ़ी में जॉइंट पेन वगैरह का तेल तैयार किया जाता है इस प्याज के द्वारा। काफी गहरा है, कहाँ गया कहाँ गया टेलीस्कोप है ये आपका चल रहा है सर, अपन सीधे अपन महादेव मंदिर के लिए चलेंगे। वहाँ पे कितना टाइम लगता चढ़ने में? वहाँ पर सर अभी अपने को लगभग निकल जाएगा आधा एक घंटा। वहाँ पर क्या है कि दो टेम्पल्स हैं, महादेव और गुप्त महादेव, दोनों एक ही जगह पर हैं। वो नीचे जाके हैं ना, यहीं से जाना है ना? हाँ, अपने को गैप करना है। जैसे अपनी खुद की फोर व्हील ड्राइव हो तो ले जा सकते हैं कहीं पे भी? नहीं सर, अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं है? नहीं, फॉरेस्ट एंट्री टिकट लेके भी अलाउड नहीं है सर? नहीं। या तो फिर आपकी फोर व्हील ड्राइव है, हाँ। अगर जिप्सी है, हाँ। फिर आपको लोकल पहले तो ड्राइवर लेना पड़ेगा। अच्छा, चलाएगा लोकल ही ड्राइवर। अच्छा, वो यूनियन वाला फंडा है यहाँ पे? क्या यूनियन है यहाँ पे? हाँ, जिप्सी की यूनियन है पूरा, मतलब नंबर बाई नंबर गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर। नहीं, नाम क्या है यूनियन का? यूनियन का तो नाम नहीं है सर। अच्छा, अभी बनी है। अभी लगभग सर 3 से 4 दिन ही हुआ है। जंगल सफारी में टाइगर देखने को नहीं मिल रहा और धूपगढ़ जाते समय रोड पे टाइगर देखने को मिल गया। अच्छा, हाँ ये फोन नहीं लगा मेरा, घर पे चार्ज लगे तो मैं आपको वीडियो दिखाता पूरी। सड़क पे? सड़क पे मेन ऐसे सामने टाइगर। यहाँ पे लोग बाइक घूमते रहते हैं, क्या कर सकते, बाइक अलाउड है। लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा मतलब जानवर वानवर का कुछ अटैक नहीं हुआ है सर? अभी कभी नहीं हुआ ना बाइसन पे ना किसी। बाइसन में सुबह इसीलिए अभी बीच में सनराइज बंद रहा काफी सालों तक क्योंकि बाइसन वगैरह हमला कर देते थे। बाइसन वगैरह कर देते हैं, इस कारण सनराइज पॉइंट बंद था, अभी चालू हुआ है। तो हम लोग नंबर वाइज नंबर चलते हैं, हम लोग लगभग 200 गाइड हैं। 200 गाइड कम पड़ जाते हैं यहाँ ना टूरिस्ट होता है। इसी टाइप से कैब्स में चलेंगे अभी अपन, लगभग 40 फीट लंबी ऐसे ही सफरी गुफा में आपको अंदर जाना है।
सामने दिख रहा है टेंपल, वीडियो वगैरह बनाना है, फोटो लेना, गाड़ी तो सकते हैं। यहाँ पर 20 रुपीज़ पार्किंग लगेगी सर। जी मैम, यहाँ पहले महादेव मंदिर है, आगे जाके गाड़ी खड़ी हो जाएगी, फिर अपन महादेव मंदिर के लिए रिटर्न इस साइड चलेंगे। गाड़ी जाएगी जी जी, पक्का तो भी थोड़ा सा बरसात अभी इस बार ज़्यादा हो गई थोड़ा सा। फल रखा हुआ है ना, ये जमीन के अंदर होता है, ये राम कंद मूल है, राम जी ने वनवास के समय पर खाया था। अच्छा, खाते खाते कैसा लगता जैसा होता है सर? मतलब भरोसा नहीं। देखिए लगभग 40 फीट लंबी गुफा है, इस गुफा में एक बार में 7 से 8 आदमी अंदर जाते हैं, जब वो लौटते हैं तो दूसरे 8 को जाने का मौका मिलता है। गुफा पूरी नेचुरल है, अंदर जाएंगे एक आर्टिफिशियल शिवलिंग और एक आर्टिफिशियल गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है। बाकी यही गुफा यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जाके जटाशंकर टेम्पल पर निकली हुई है। भस्मासुर का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, भस्मासुर एक दानव था जिसने शंकर भगवान की घोर तपस्या की हुई थी, तो प्रसन्नों के उसे शिव जी ने वरदान दिया था कि वो जिस व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ रखेगा वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो शंकर भगवान को ही भस्म करने के लिए भस्मासुर दानव जब उनके पीछे दौड़ा था तो शंकर भगवान सबसे पहले इस गुफा में जाके छुप गए थे यानी गुप्त हो गए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा हुआ है गुप्त महादेव मंदिर। ये जो नीचे रास्ता गया हुआ है यही रास्ता यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल और 1365 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर जो आप लोगों ने टेम्पल देखा वहाँ पर निकलता है उस मंदिर पे। जी उस मंदिर पे महाशिवरात्रि का मेला लगता है, पचमढ़ी में 2 मेले होते हैं, एक नागपंचमी का और एक महाशिवरात्रि का। तो महाशिवरात्रि का जो मेला होता है तो इसी टेंपल पर होता है, लगभग 10 दिन का मेला होता है और इसमें लगभग 10 से 12 लाख श्रद्धालु 10 दिन के अंदर आते हैं। आप लोग इस गुफा में चले जाइए, गुफा देख कर आ जाइए, यही होता है। भी देखने को मिलेंगे, वाटरफॉल वगैरह भी हैं, रॉक पेंटिंग वगैरह भी हैं यहाँ पर। बड़ा महादेव मंदिर, जूते चप्पल उतारने की जगह, फिर उसके बाद अंदर जाना है। लंबी गुफा है सर, इस गुफा के अंदर आप लोग जाएंगे तो 2 शिवलिंग रखे हुए हैं, बड़ा शिवलिंग जो है वो आर्टिफिशियल शिवलिंग है और छोटा शिवलिंग जो उसके जस्ट सामने देखेंगे वो नेचुरल शिवलिंग है, अपने आप पहाड़ से निकला हुआ है। मैंने आप लोगों को भस्मासुर की हिस्ट्री बताई थी, नहीं भस्मासुर की, तो जब भस्मासुर जो था मैंने आप लोगों को बताया था वो दाना से उसने शंकर भगवान की बहुत तपस्या की थी, फिर उसने शिवलिंग से वरदान दिया था तो जिस व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ रखेगा वो व्यक्ति भस्म जाएगा। ये जो स्टोरी है पचमढ़ी के 5 टेम्पलों से जुड़ी हुई है। अभी जो आपने गुप्त महादेव मंदिर देखा वो वहीं से जटाशंकर मंदिर, नागद्वार, चौड़ागढ़ और लास्ट में ये
महादेव मंदिर होता। सबसे लास्ट में भस्मासुर के डर से शंकर भगवान इसी गुफा में आके छुपे हुए थे और इसी जगह पर मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ने इसी अंदर आके जाएंगे कुंड बना हुआ है, तो कुंड में ही दर्शन किया था भस्मासुर भगवान को। ये नीचे जो कुंड बना हुआ है इसे भस्मा कुंड के नाम से जाना जाता है। भस्मासुर की रात अस्थियाँ वगैरह इसी कुंड में कराई गई थी। नीचे के ऊपर जो कैस्ट बनी हुई है तो पार्वती जी की गुफा बनी हुई है। भगवान के ज़माने में जब मतलब डांस चलते थे तो उसी जगह से बैठ कर देखा करते थे। अंदर आप लोग अगर ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, झूले झूले देखिए, ये बीच में एक त्रिशूल लगा हुआ है मंदिर का, ये वाला बना हुआ है। 1887 में सबसे पहला त्रिशूल इधर के आदिवासी लोगों ने इसी मंदिर में लगाया था पचमढ़ी का। ये सबसे बड़ा वाला जो है जी 1887 में, ये बड़ा वाला नहीं, बीच में देखिए एक त्रिशूल लगा हुआ है। अच्छा, टूटा अच्छा, पत्थर का। हाँ, अच्छा ये टूटा हुआ पत्थर वाला। अच्छा, ये त्रिशूल लगा था सबसे पहले पचमढ़ी के अंदर। बोल दो भाई, यहाँ पे आप लोग चाहिए दिख रहा है। दिख रहा है ये बीच वाला टूटा हुआ त्रिशूल। ये वाला टीका वो तो आदिवासियों ने लगाया था। अभी तीन तीन पॉइंट और देख लेंगे अभी अपन। कहाँ जाना? अभी यहीं से यहाँ के बीच में से सर राइट में। जटाशंकर में क्या है? जटाशंकर में टेंपल है सर, जैसा अभी आप लोगों ने ये देखे ना इसी टाइप से टेंपल है। वहाँ पर भी 12 पॉइंट होते देखने के लिए, तो लगभग आपको दो घंटा तो मान लीजिए। कहाँ है? मेन बाजार में पास में ही है। मतलब जो व्यू पॉइंट है ना पूरा प्रिय रश्मि व्यू पॉइंट है। वहाँ से जब आगे जाते तो उस पहाड़ पे से खड़े होकर देखते हैं, सामने वाले पहाड़ पे से खड़े होकर उस साइड से देखते हैं, वहाँ से व्यू पूरा यही दिखता है। आप लोगों को देखना वहाँ पे क्या है? ये दर्शन सामने वाला जो माउंटेन है वो है धूपगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो सी लेवल से 4429 वर्ग 1352 मीटर है। इंदिरा गांधी वन पे और भी बता रहे थे कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, कितने घर हैं? यहाँ पर तो लगभग 800 घर है, मतलब जो दिए गए हैं यहाँ पर बढ़ते हैं उसको लगभग 500 करीबन घर रहे हैं यहाँ पर। बाकी गाँव वगैरह थे अभी यहाँ से
बोरी है, इस तरफ के पूरे गांव खाली करवा लिए है। सर आप लोग जो भव्य तरह जाएंगे ना सर, वहाँ से नीचे पूरे गांव वगैरह का एरिया दिखता है कि इस जगह पर गांव बने हुए हैं, पूरा ग्रास लैंड हो गया। हाँ वो पूरा ग्रास लैंड, जैसे एक परिवार में चार लोग थे सर, तो चार लोग 18 साल के ऊपर से ऊपर के थे, तो फॉरेस्ट ने एक एक परिवार को 40-40, 50-50 लाख रुपए दिया। यहाँ पे अपन यहीं से अपन ये सदर रास्ता है सर, सीधा। देखो बंदर अभी घूम रहा है रात में, बंदर राजेंद्र गिरी वो देखिए डूबगढ़ से गाड़ियाँ उतर रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रथम राष्ट्रपति, तो वो वहाँ से लगभग ये यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है सर, तो वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल इस जगह पर आया करते थे सनसेट वगैरह देखने के लिए। ये मिनी सनसेट पॉइंट है, पचमढ़ी का अंदर जाएंगे तो मेन उद्यान मुख्य गार्डन बना हुआ है। 1953 में एक वृक्षारोपण कर इस गार्डन का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अंदर उनकी प्रतिमा लगी हुई है और अंदर जस्ट पीछे एक व्यू पॉइंट है। वो देखो खड़े हो जा रहा ग्रीन गम दिख रहा है, ग्रीन ये लीजिए आगे मेरे को दे दीजिए फोन में बना दे। अगर वैकेंसी है तो जल्दी से पूछ किया जाना, वैकेंसी है तो कितने का है और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, और इसमें व्यू व्यू कुछ है क्या, मतलब यहाँ पे वो अगर लेके तो पीछे रिश्ता होगा ना, ये रिसेप्शन है ना। सबसे अच्छा तेल यही मिलता है, उसकी गारंटी में लेता हूँ हनी और तेल। यहाँ साइड यहाँ पे यहाँ लगा, हाँ बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में भी यहाँ पीछे। सबसे पहले अपन ही जाए।